दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पथरी हो जाती है और अक्सर पित्त की थैली में पथरी है, नहीं तो मूत्रपिंड में है, नहीं तो किडनी में है। तो इस पथरी को निकालने के लिए दवा लिख लो। एक बहुत अच्छी दवा है पित्त की पथरी के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। उस दवा का नाम है सेब का रस। सेब है ना, सेब एप्पल, इसका रस पी एक कप रोज सवेरे खाली पेट। और सेब का जब रस निकालेंगे ना तो छिलका मत उतारना, क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके में है। हाँ, छिलका उतार दिया तो सेब बेकार। बस ही खा लिए तो ऐसे खा लो। चार सेब एक साथ खाओगे तब एक कप रस होता है, तो चार सेब खाओ चबा चबा के और सवेरे खाना खाली पेट, तो पित्त की थैली की पथरी 6 से 8 महीने में गल जाएगी। और दूसरी दवा है पथरी की, जब पथरी गुर्दे में हो, किडनी में और हमारे मूत्र पिंड में, तब उसकी दवा है गाय का मूत्र, आधा कप रोज पी लो, उससे पथरी टूट के निकल जाएगी। और आप जिंदगी में कभी भी पथरी की बीमारी के शिकार ना हो, तो इसके लिए एक बात जो मैं पहले कहा उसको ध्यान से फिर कह रहा हूं कि पानी हमेशा घूक घूक पीते रहोगे तो कभी भी पथरी नहीं बनती, ना पित्त की थैली में, ना मूत्रपिंड में और ना आपके गुर्दे में। पथरी उन्हीं को बनती है जो घटाघट पानी पीते हैं, एक साथ एक गिलास दो गिलास पी लिया, पता नहीं कहां जाने की जल्दी है उनको। हाँ, ये मनुष्य छोड़कर घटाघट पानी कोई नहीं पीता दुनिया। सारे जानवरों को देखो, कुत्ता चाट चाट के पानी पिएगा, शेर चाट के पानी पिएगा, बिल्ली चाट के पानी पिएगी, पक्षियों को चिड़ियाओं को देखो एक एक बूंद पानी पीते हैं, सब धीरे धीरे पानी पीते हैं। ये आदमी ऐसा मूर्ख है जो घटाघट पीता रहता है। पानी कभी भी घटाघट मत पियो, चाट चाट के जैसे हमारे जानवर करते हैं वैसे आप करो। कोई जानवर को पथरी की बीमारी नहीं होती क्योंकि वो चाट के पानी पीते हैं या घूट घूट करके। आप भी ऐसे ही पानी पिया करो। आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो घूट घूट पानी पीते हैं उनको जिंदगी में बीमारी ही नहीं होती कोई भी, खाली ये पथरी की नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होती। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।